Niji babies, how are you all? I hope you all are fine. I am Malin ma'am from Market and Drama Space, and today I am going to tell you a story. The name of the story is The Ugly Duckling. The Ugly Duckling. एक खूबसूरत दिन डक्स का एक परिवार नदी में तैर रहा था और दूसरी ओर एक डक अपने अंडों में से डकलिंग्स के निकलने का इंतज़ार कर रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब अंडे फूटे और उनमें से छोटे छोटे डकलिंग्स बाहर निकले, लेकिन एक अंडा अभी तक नहीं फूटा था और वो अंडा आकार में थोड़ा बड़ा और भूरे रंग का था। आखिर थोड़े दिनों के बाद वो अंडा भी फूट गया और उसमें से जो निकला वो बहुत ही अगली डकलिंग था और ममा डक सारे डकलिंग्स को लेके नदी में तैरना सिखाने लगी, लेकिन वो अगली डकलिंग के साथ कोई भी बात करना नहीं चाहता था और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके खुद के भाई बहन भी वो डकलिंग का मजाक उड़ाते थे। आखिर थक कर वो वहाँ से चला गया। बहुत दूर जाने के बाद वो कहीं एक नदी के पास जाकर रुका। वो नदी में बहुत तैरा और उसने बहुत मज़े किए, लेकिन वहाँ से उसने एक बतखों के झुंड को जाते हुए देखा, लेकिन उसमें से भी सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। और उसमें से एक बतख ने पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? तब अगले डकलिंग ने कहा, क्या मैं थोड़े दिन यहाँ रुक सकता हूँ? मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, प्लीज़ मुझे थोड़े दिन यहाँ रुकने दो। ठीक है, और वो बतख का झुंड वहाँ से चला गया। वो अगली डकलिंग वहाँ थोड़े दिन रुका, लेकिन फिर वो वहाँ से भी चला गया। थोड़े दूर जाते ही उसने एक घर देखा और उस घर में एक बिल्ली, एक मुर्गी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। अगले डकलिंग को देख के मुर्गी और बिल्ली चिल्लाने लगी। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो बूढ़ी औरत बाहर निकली और उसने बाहर आकर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे एक अगली डकलिंग है और उसने बोला, ये तो कितना अगली है, लेकिन मैं इसे अपने पास रखूंगी और इसका अंडे देने तक इंतज़ार करूंगी। फिर मैं ये मुर्गी के और ये डकलिंग के एग्स को जाके बेच दूंगी। फिर वो अगली डकलिंग वहाँ पे ही उसी बुढ़िया के घर पर रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर भी सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बिल्ली उसे देखकर कहने लगी, क्या तुम अपने आप को आईने में देख कर डर नहीं जाते? तुम कितने अगली हो। मालकिन कहती है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे नाखून भी बहुत लाजवाब है और मेरी चाल भी बहुत सुंदर है। सब लोगों का मजाक सुनकर वो अगली डकलिंग बहुत थक गया था। वो सोच रहा था कि काश वो भी घर के पास वाले तालाब में जाकर तैर सके, खेल सके। लेकिन तभी मुर्गी वहाँ पे आई और उसने कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें इतना बड़ा घर दिया है मालकिन ने रहने के लिए, वो क्या काफ़ी नहीं है? तुम मुझे, बिल्ली को या मालकिन को गुस्सा मत दिलाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते। थोड़े दिनों के बाद अगली डकलिंग वहाँ से भी निकल गया और उड़ते उड़ते वो बहुत दूर पहुंच गया। बाद कहीं बहुत बड़े तालाब के पास जाके रुका। वहाँ भी बहुत सारे डक थे, लेकिन कोई भी उससे दोस्ती या बात करना नहीं चाहता था। आखिर ठंड आई और सब जगह पर बर्फ जम गई। बहुत ठंड थी और अगली डक के पास रहने के लिए ना तो कोई घर था। आखिर वो पानी में तैरता और झाड़ियों के पीछे जाकर रहता था। आखिर ठंड गई, सूरज निकला और गर्मियाँ शुरू हुई। एक दिन अगली डकलिंग के आकाश में बहुत ही अच्छे और बड़े पंख वाले पक्षी उड़ रहे हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि काश वो भी इस तरह उड़ पाता
लेकिन जब वो स्वान अगली डकलिंग पास से गुजरे, अगली डकलिंग जल्दी से जाके झाड़ियों के पीछे छुप गया और सोचने लगा कि अगर मैं इनके सामने जाऊंगा तो ये लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरे ऊपर हंसेंगे। वो कई दिनों तक वो स्वान को देखता रहा और एक दिन वो बहुत दुखी हुआ और बहुत रोने लगा और उसने सोचा कि इनके पंख कितने बड़े हैं और कितने सुंदर भी है और मेरे कितने अगली है। बचपन से लेके सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगा और आखिर में जब रोते रोते उसने अपना परछाई नदी में देखी तो वो हैरान ही हो गया। वो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर स्वान था। वहाँ से एक स्वान का झुंड गुजरा, तभी उन सबों ने वो स्वान का वेलकम किया। तब उसको लगा कि मैं डक नहीं स्वान हूँ और फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि क्यों ये लोग बाहरी रंग से दोस्ती करते हैं। शायद मैं इतना अगली ना होता तो सब मेरे भी दोस्त होते, मेरा बचपन भी बहुत अच्छा जाता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी को सिर्फ शक्ल और सूरत या बाहरी खूबसूरती के आधार पर हमें जज नहीं करना चाहिए और सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, भले ही वो आपसे अलग क्यों ना हो। होप यू एंजॉयड द स्टोरी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।